दोस्तों आपकी सोच बड़ी होगी ना, कि ये अपमान आपको अपमान नहीं लगेगा, पार्ट ऑफ लाइफ लगेगा, याद रखना दोस्तों। और जब आपकी सोच छोटी होगी तो आप फ्रस्ट्रेट जल्दी हो जाएंगे। जी हमारे पड़ोसी में एक महिला रहती थी, 20 साल पहले की बात है। उनके पति कहीं से घूस कमा के लाते थे, झोले में पैसा लाते थे, और वो रात भर गिनती थी, 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया का नोट गिनती थी, और हमारी माँ को आके चिढ़ाती थी कि जाना है दीदी, इतना पैसा कमा हथुन न, हमर मर्दाना पूछा मत, लोकल लैंग्वेज में, गिनते गिनते बिहान हो जावा, गिन ना पावी। बहुत लोग डर जाते थे, 10 औरतें बैठी हो कि बाप रे बाप कितना पैसा कमाता है भाई। लेकिन हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, वो पैसा मुझे बहुत छोटा लगता था दोस्तों, क्योंकि लक्ष्य बड़ा था। मैं BHU में जाता था और लोग मुझे अपमानित करते थे, मुझे लगता था ये मेरा लक्ष्य है कि मुझे सीखना है कुछ। तो जिस दिन आपका लक्ष्य होगा, आपकी मंजिल की ऊंचाई बहुत ज्यादा होगी, उस दिन अपमान अपमान नहीं लगेगा, बल्कि वो ऊर्जा का कारण बनेगा। यही रूम में, इसी रूम में मेरा एक छोटा सा रूम है, वहीं से मैं लाइव आ रहा हूं। आप जब फिल्म रिलीज होने वाली थी तो एक अखबार ने, दो अखबार ने लोकल लेवल पर मेरे अगेंस्ट में छापना स्टार्ट किया, माफिया लोग लग गए, लोग पीछे लग गए, केस कर दिया, मुकदमा कर दिया, फिल्म रोकवाओ, आनंद कुमार को इतना अपमानित कर दो कोई फिल्म ना देखे। रात में एक रिपोर्टर, छोटा सा कर्मचारी, वहां से मुझे फोन करता है अखबार वाला 1:30 बजे रात में कि सर आपके बारे में तो बड़ा एक बुरी खबर छप रही है, Page 1 पर चल रही है। तो मैं जमीन पर बैठ गया नीचे, वाइफ को जगाया रात में कि देखिए भाई ऐसी ऐसी खबरें आ रही है। वाइफ एकदम रोने लगी, कांपने लगी। मैं कहा कि देखो हम लोगों का लक्ष्य बहुत बड़ा है, फिल्म आ रही है, फिल्म सुपर हिट होने जा रही है, ब्लॉक बस्टर होने जा रही है, इसलिए रुकावट है, मत घबराइए, खुशी देखिए, दूर मुस्कुरा रही है। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, यही लाइन बोला था, देखिए देखिए, कल्पना करिए, खुशी दूर से मुस्कुरा रही है। तो दोस्तों जब आपका लक्ष्य बहुत बड़ा होगा तो जीवन में आपकी जो समस्याएं आएंगी, बाधाएं आएंगी, वो बहुत ही छोटी सी लगेगी। और अगर आपका लक्ष्य छोटा होगा तो आप तुरंत कांप जाएंगे। अभी बात कर रहे थे राठौर जी कि आपकी पत्नी से लड़ाई हो जाती है, वो आदमी दुनिया का सबसे झूठा आदमी है जो बोलता है कि पत्नी से मेरी लड़ाई कभी नहीं होती। हमारी भी हो जाती है लड़ाई, लड़ाई को आप बोलिए बहस बोल सकते हैं। और जो हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है, बहस होती है, समझिए उसका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा है, उसकी वाइफ को और हस्बैंड को दोनों को हक है अपनी बातों को रखने का। और जिस परिवार में, जिस दाम्पत्य जीवन में लड़ाई नहीं हो रही है, कोई डर रहा है, या बेचारा पति भी आजकल डर रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, पत्नी डर रही है, समझिए कि वो दाम्पत्य जीवन सुखी दाम्पत्य जीवन है। तो बहुत बार बहस हो जाती है, बहुत बार लड़ाई हो जाती है, मैं यही सोचता हूं कि हमारी पत्नी पर क्या बीत रहा होगा, उनके दिमाग में जाके देखिए। आपका पार्टनर आपसे गद्दारी कर रहा है, आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सोचिए कि उसकी मानसिकता क्या है। और याद रखना दोस्तों, जितनी दुश्मनी किसी से बढ़ रही है, जितना आप पर लोग लग रहे हैं, समझ लेना कि आपकी तरक्की उतनी ज्यादा हो रही है। अब फिल्म आनी थी तो बहुत ज्यादा लोग लगे, तो हमारे पिताजी की बात याद आई कि देख बेटा, जितना बड़ा विलेन तेरे जिंदगी में आएगा, तेरे लाइफ में जितना बड़ा विलेन आएगा, समझ लेना उतना बड़ा उभर के तुम हीरो होने जा रहे हो, हीरो बनने जा रहे हो। तो दोस्तों जिंदगी में समस्याएं तो पाठ है, गौतम बुद्ध तक ने बोला है कि भाई आप समस्याओं को कभी आप हटा नहीं सकते, समस्याओं को आप भगा नहीं सकते, उसको मुस्कुराते हुए आत्मसात करिए, उससे निपटने का आप वजह खोलिए। और याद रखिए कि आप समस्याओं के जाल में कब फंसेंगे, जब आपसे गलतियां होंगी, आपसे मिस्टेक होगा। एक बार एक आदमी पूछा कि भाई आप सर बोलते हैं कि मिस्टेक ना करो, हम कि नहीं ऐसा भी नहीं सोचो, अगर तुम मनुष्य हो, इंसान हो, तो गलतियां होंगी ही होंगी, इसलिए कभी ऐसा मत सोचो कि हमसे कोई गलती नहीं होगी। तो अगर जीवन में कोई गलती हो जाती है, कोई कमी रह जाती है, कोई कमजोरी बन जाती है कोई चीज, तो आप फंसिएगा जाल में। तो लेकिन आप प्रयास करिए उस समय यही समझने का, यही सोचने का कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है, इससे घबराना नहीं है। और दोस्तों जब भी आपका पार्टनर से लड़ाई हो रहा है तो सोचिए कि वो आप आगे बढ़ रहे हैं। दो दोस्त है, हमें बहुत लोग अभी भी बोलता है, अभी राठौर जी बोले कि अरे सर आप तो बदले नहीं, जैसे आप 20 साल पहले थे, 25 साल पहले थे, वैसे आज भी लग रहे हैं सर, वाह क्या बात है, राठौर जी हमको बताए। बहुत सारे दोस्त बोलते, लेकिन कुछ मित्र उनमें ईर्ष्या भाव आ जाता है,
उनको लगता है कि अरे आनंद तो हमारे ही साथ घूमता था हाफ पैंट पहनकर, हमारे साथ ही मूंगफली खाता था, आज उस पर फिल्म बन गई। राठौर जी बुला रहे हैं 50,000, 22,000, 23,000 यूट्यूब पर कभी कभी लोग सुनते हैं, वाह क्या बात है। तो वो आपसे ईर्ष्या करता है, उसके दर्द को समझिए, उससे आप नफरत मत करिए, आप उस पर गुस्सा मत करिए, उसके दर्द को समझिए। क्या आप उसके साथ व्यवहार कर सकते हैं, कैसी बातें उसके साथ कर सकते हैं कि उसको सुकून मिले, उसको कभी ये ना मिले लगे कि मेरा दोस्त बड़ा हो गया है और अहंकार आ गया, मुझे अपमानित कर रहा। तो इन तमाम चीजों को लेकर अगर आप जीवन में आगे बढ़िएगा तो समस्याएं नहीं होगी। समस्या तो देखिए, हम लोगों ने तो देखिए, आपको दिखा रहे हैं अभी पापड़ तक बनाया। पिताजी जब गुजर गए, कुछ हमारे पास नहीं था, तब दो ही रास्ते थे हमारे पास। एक था कि पिताजी के जगह पर जो अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल रही हो नौकरी करिए, और दूसरा रास्ता था आपका कि अगर नौकरी नहीं करिएगा तो आप स्ट्रगल करिए। लेकिन भीतर का जो शिक्षक था दोस्तों, मुझे मरने नहीं दिया। भीतर जो मेरे शिक्षक था, लगा कि नहीं, मैं एक ना एक दिन मेरा सपना जरूर पूरा होगा, मैं 100, 200, 400, 500 लोगों को, हजार लोगों को बैठाकर वर्कशॉप करता था। आज बहुत अच्छा, चलते चलते आपने सवाल पूछा, पता नहीं मुझे, मेरे दिल में जो आता गया बोलता गया, आता गया बोलता गया। लेकिन दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई पूछे तो मैं बताऊंगा कि बड़ी सोच, पॉजिटिव सोच के साथ अथक प्रयास कर। पहली बात जो मैं बताना चाहूंगा, पहला लाइन बोलना चाहूंगा कि सोच आपकी बड़ी हो और अथक प्रयास हो और सकारात्मक सोच, बड़ी सकारात्मक सोच के साथ अथक प्रयास करना। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, धैर्य बनाए रखना, ग्रेट पेशेंस। तमाम पॉजिटिव सोच के बाद भी, तमाम आपके एफर्ट्स के बाद भी, आपके कठिन प्रयासों के बावजूद भी कई बार सफलताएं नहीं मिलती है, लोग थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं। कई बार बच्चों को मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देता हूं, बच्चा नहीं सॉल्व कर पाता है। नहीं सर, 300 का 300 बच्चा बोलता है बहुत चैलेंजिंग है, मुझसे नहीं होगा। दोस्तों आपको लगता होगा कि आनंद कुमार आया बोल के चला गया, राठौर जी आया बोल के चला गया, लेकिन जो मेरे पर बीत रहा है वो तो बड़ा कठिन है। ऐसे बच्चों के साथ, तीसों के साथ होता है। तो मैं बताता हूं कि असीम धैर्य बनाओ, इसका प्रयास करो, इस सवाल को सोचो और किस एंगल से बना सकते हो, किस फार्मूला को लगा सकते हो। ये दुनिया में ही सॉल्यूशन रखा हुआ है, जरूरत सिर्फ इस बात की है कि तुम खोजो इसको, धैर्य मत खोलो। 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद बच्चा बोलता है, ना सर पूरा अंधकार लग रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, सब अंधेरा ही अंधेरा लगता है। मैं उस समय बोलता हूं दोस्तों, मंत्र नंबर 2 जो बता रहा हूं कि जितनी रात गहरी होगी, जितनी रात अंधेरी होगी दोस्तों, सवेरा आपके करीब होगा, सवेरा आने वाला है, मुस्कुरा रहा है, रात गहरी हो रही है, सवेरा नजदीक आ रहा है। इस भाव से लगिए, मेरा विश्वास है कि ये जो कोर्स है 5 सितंबर तक चलने वाला, इसमें आपकी जिंदगी जरूर तब्दील होगी। मैं क्लास में लेता था, अभी एयरपोर्ट पर एक लड़का मिला, उस वर्कशॉप का लड़का मिला जो मैं 7 दिन का लिया था मैथमेटिक्स का, अभी मिला करीब 20-25 दिन पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर। कहा कि सर मुझे आपकी बातें आज भी याद है, जब आप 2 घंटा का क्लास लेते थे, आप बोलते थे कि अगर 2 घंटा में तुम्हारी जिंदगी नहीं बदली, मैं क्लास ले रहा हूं 2 घंटा में तुम्हारी जिंदगी नहीं बदली तो सोचना कि बेकार आना हुआ। इसी तरह से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस